तो सर आज हम चेकिंग पीएसआर की सेकंड क्लास दे रहे हैं, ठीक है जी। मैं इसलिए सर सेकंड क्लास थोड़ा सा डिलेट किया जब तक आपको एडमिशन का रिवैल्यूएशन करा देता हूं। आपने देखा गुडविल के बारे में, गुडविल के साथ हम जिस आदमी को गेन होता है उससे गुडविल लेते हैं और जिसको सेक्रीफाइस होता है उसको गुडविल देते हैं। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग का मैंने अपनी तरफ से बनाया था माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट। फिर आया था जर्नलिज्म, जर्नलिज्म के साथ भी सेम ट्रीटमेंट करते हैं अगर आपको याद हो तो। ऐसा ही क्वेश्चन किया था हमने, एबीसी तीन पार्टनर है 532, न्यू रेशियो हो गई 352, ठीक है। ये हो गया 3/10, ये हो गया -3/10, ठीक है। इसका मतलब ये गेन और ये सैक्रिफाइस। कह रहे जर्नलिज्म दिखा रखा है 10,000 क्रेडिट, पीएनएल डेबिट दिखा रखा है 5,000 और गुडविल है 30,000, ठीक है। तो कह रहे जनरल रिजर्व एंड पीएनएल नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सर इसको करने के दो केसेस हैं। पहला केस है नहीं बांटना, जनरल रिजर्व नहीं बांटना तो माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट। आप इसका गुडविल के साथ हमेशा सेव करते हैं तो 30 क्रेडिट 40 माइनस 5 कितना हो गया 35,000, ठीक है जी। माइनस वाला डेबिट यानी कि बी डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल 35,000 का 3/10 10,500। बी पार्ट क्वेश्चन इज साइलेंट। सर अब थोड़ा सा फर्क है सर, जनरल रिजर्व टू ए बी सी ओड रेशियो में बांट देंगे सर 5-3-2, एबीसी टू पीएनएल लॉस इसको भी बांट देंगे 2500-1500-1000। गुडविल के साथ तो एक ही एंट्री करेंगे सर, माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग 30,000 का 3/10 9,000, ठीक है। मतलब जनरल रिजर्व के साथ या तो बांट दो कुछ भी कर रखा दो, नहीं बांटना तो जो गुडविल के साथ ट्रीटमेंट होती थी वही, इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन में एक ही एंट्री बना दी। सेम बात आती है रिवैल्यूएशन की, इसकी आती है रिवैल्यूएशन की। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक तो नॉर्मल रिवैल्यूएशन हमें आता ही है, कैसे बनाते हैं गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20th टीएस गिरवाल पेज नंबर 4.43 इस बार का एडिशन। आशीष आकाश अमित और पार्टनर शेयरिंग इक्वली बैलेंस शीट गिवन है, पास्ट नेसेसरी जनरेटेड न्यू रेशियो 2:1, स्टॉक रिड्यूस्ड 2:25। सारा एंट्री करो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। आपको पता है क्रेडिट गेन के लिए होता है, डेबिट लॉस के लिए होता है। स्टॉक रिड्यूस टू 1:25, स्टॉक 1:40 था 1:25 हो गया 15,000 रुपए का लॉस। प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज बाय 10%, मशीनरी 25,000 रुपए से कम हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, तो जी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई 62,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पीडीडी क्रिएट करना है कितना 5% 4,000। आकाश को रेमुनरेशन देनी है, बिजनेस का तो खर्चा है ना सर, आकाश कैपिटल 10,000, ठीक है सर। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन की एंट्रीज। मैं एक बार चेक कर लूं दोबारा, तो टोटल प्रॉफिट 62, लॉस कितना 40, 50, 54। 62,000 माइनस 54,000 लॉस आ गया 8,000। लॉस पार्टनर्स के नाम क्या है यार, आशीष आकाश अमित, आशीष आकाश अमित टू रिवैल्यूएशन 8,000 को बांटेंगे, रेशो इक्वल है डिवाइडेड बाय 3, 2667। अब बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, तीनों पार्टनर की कैपिटल कम कर दो सर,
ये फिक्टिशियस असेट्स है, कुछ नहीं कर रखा तो बांट दो, 2000 2000 2। बैलेंस शीट में जनरल कर दिया रखा, तीनों पार्टनर्स में बांट दो, ए ए ए नाम अब इतने लंबे चौड़े कौन लिखेगा, 30 30 30। मान लो ये कहता इस क्वेश्चन में कि जनरल और बैलेंस शीट को नहीं बांटना, मैं 90 माइनस 684 माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट। अच्छा मुझे याद है एक बच्चे ने बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा, कह रहा दिनेश सर एबी की रेशियो 3:2 है, ओल्ड न्यू रेशियो 2:3 है, अभी तक तो हम करते थे प्रॉफिट, कह रहा पीएनएल डेबिट बैलेंस गिवन है 9000, मैंने कहा बहुत बढ़िया, 3/5 2/5 -2/5 3/5 1/5 -1/5। सर कह रहा है पीएनएल को नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, दो पार्ट होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट तो वहां सारा एबी टू पी है ना। अब सर यहां प्रॉब्लम है, हमने आपको बताया था वो प्रॉफिट के सिलसिले में माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट, यहां लॉस है सर। अब माइनस डेबिट यानी क्या डेबिट कर रहे थे, बी टू ए, अब दिमाग में रिवर्स कर लो, ए टू बी 1800, ध्यान रखना एंट्री रिवर्स हो जाएगी अगर लॉस होगा तो, क्योंकि ये चीजें हमारे से रह जाती है बच्चों, रिवैल्यूएशन नॉर्मल जैसे करते थे वैसे ही किए। इसके अंदर भी एक और बात है, कह रहा बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू नहीं दिखानी, ये तो फंस गया यार, क्यों फंस गए सर, अभी करवाते हैं, आप ये नोट कर लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 22 टीएस गिरवाल, एबीसी पार्टनर है बच्चों 2:1, न्यू रेशियो है 5:3:2, दे डिसाइडेड नॉट टू चेंज, दे डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये तो गलत बात है सर। चेंज करना था तो जैसे एडमिशन में करते थे नॉर्मल रिवैल्यूएशन, नॉर्मल कैपिटल, नॉर्मल बैलेंस शीट, कह रहा चेंज नहीं करनी, माइनस वाला डेबिट सर सब में से, जी हाँ गुडविल के साथ क्या करते हैं, माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट, जनरल लोन के साथ दो ट्रीटमेंट होती है, बांटना बांट दो, नहीं बांटना तो माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट, रिवैल्यूएशन के साथ दो चीजें होती है, नई वैल्यू दिखानी है दिखा दो नॉर्मल क्वेश्चन, नहीं दिखानी है तो माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट। मैं आपको दिखाता हूं, अब कह रहा है मशीनरी की वैल्यू 2.5 लाख से 3 लाख होगी प्लस 50,000, कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, कंप्यूटर की वैल्यू 25,000 कम होगी माइनस 25,000, क्रेडिटर कम हो गए फायदा हो गया प्लस 15, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गए माइनस 10, ये निकालते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है सर, अभी निकालते हैं सर, ले लीजिए 50 65 माइनस 25 माइनस 10 30,000 माइनस 35 30,000, ठीक है जी, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया, ऐसे ही कैलकुलेट करना है, 2/5 2/5 1/5 5/10 3/10 2/10 10 4 -1/10 10 1/10 10 0। नई वैल्यू दिखानी होती तो आपको पता है नई वैल्यू नहीं दिखानी, माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट। सर अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता तो उल्टा कर देता, बी टू है क्या दिक्कत थी। तो बच्चों एक 24 क्वेश्चन और करते हैं, इस क्वेश्चन में रिवाइज वैल्यू देखनी है, नॉर्मल क्वेश्चन है मतलब रिवाइज वैल्यू बैलेंस शीट में दिखानी है, ठीक है जी, ये लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 24, एबीसी की रेशियो 3:1 है और न्यू रेशियो है 1:1:1, ठीक है, 3/6 2/6 1/6 1/3 1/3 1/3 6 1 0 माइनस 1/6, गुडविल के साथ तो सर यही होता है ना, माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट,
ये हो जाएगा सर फर्म की गुडविल है 1.5 लाख, 1.5 लाख का 1/6 कितना होता है? एक बार सर हमने कैलकुलेट ही कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए दोस्तों। 25,000 ठीक है जी। आगे सर रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, फॉर्मेट। अब देखो आप बनाना सीख चुके हो एडमिशन में। हाँ जी, लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड एट 80। सर लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 का फायदा हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग 80 हो गई सर। बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग 6% हो गया 3,000। बिल्डिंग 47, क्राइटर ऑफ 6,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। 6,000 के क्राइटर पैसा नहीं मांगेंगे, फायदा हो गया। क्राइटर्स कम हो गए ना भाइयों, क्राइटर्स कितने हैं? 50, 44। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ गया बच्चों 33, 16,500, 11,000, 55। कैपिटल याद है? बीडी। बीडी कितना दोस्तों कैपिटल का? 1,50,000, 25,000, 1,50,000, 25,000। बच्चों बैलेंस शीट में जर्नलिज्म दिखा रखा है, कुछ नहीं कह रखा तो बांटेंगे दोस्तों, जर्नलिज्म को बांटेंगे 15, 10, 5। रिवैल्यूएशन भी ले लो दोस्तों 16,500, 11,000, 5,500। अब सर गौर से देखिए, सी डेबिट हो रहा है, सी डेबिट कर दो, ए क्रेडिट हो रहा है, ए क्रेडिट कर दो, टोटली करते हैं सर सीडी 1,15,000, 16,500, 25,000, 1,56,500 ठीक है। बी का करते हैं दोस्तों 71, सी का 10,500 ठीक है जी। हमने टैली भी कर लिया, ठीक आ रहा है। कैपिटल ए बी सी, क्रेडिटर हो गया बीपी लिख देते हैं सर, जनरल हो गया लैंड बिल्डिंग प्लांट सर वैसे का वैसे है दोस्तों 1,00,000। एडमिशन जैसा क्वेश्चन हो गया ना यार, ये तो स्टॉक 40, डेटर्स 30, बैंक 5,000। मान लो क्वेश्चन में कहता कि बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू नहीं दिखानी सर, सपोज सर मैं रिवैल्यूएशन बनाता, हवा में निकालता रिवैल्यूएशन, एक रिवैल्यूएशन पकड़ लेता, एक गुडविल पकड़ लेता, एक जर्नल पकड़ लेता, सबको जोड़ के लिख देता माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट। हमारे सिलेबस में कर दिया गया है अब MCQs। MCQs में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आ सकते ना, वो तो सिर्फ पूछेगा भैया अगर वो पार्टनर बांटना है तो कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, नहीं बांटना तो माइनस डेबिट। तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पर फोकस, बड़े पर हटाकर आप लॉजिक पर करें सर, ठीक है।
और आपको नहीं समझ आए मुझे सर फोन कर दीजिए।